When a word means one, we call it singular. जहाँ पर one बोले उसे हम क्या बुलाते हैं? Singular, one word. When a word means many, we call it plural. देखो singular, plural, one word, many word. जो चीज एक है उसे हम क्या कहेंगे? One कहेंगे. क्या कहेंगे students? One. और जो एक से ज्यादा होती है उसे हम क्या कहेंगे? Many कहेंगे. तो देखो यहाँ पर वन बोल है तो वन का बोल का स्पेल क्या दिया गया है? BALL बोल, क्योंकि यहाँ पर वन बोल है. और यहाँ पर देखो स्टूडेंट कितने बोल है? मेनी बोल, वन टू थ्री, क्योंकि वो ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे हम? मेनी, BALLS बोल. देखो स्टूडेंट एक से ज्यादा होता है वहां पर एस लगेगा, क्या लगेगा? एस लगेगा. और वन वहां पर है वहां पर कुछ नहीं लगेगा. देखो यहाँ पर चलो स्टूडेंट्स अभी हम अपनी टेक्स्ट बुक में देखते हैं. वन मैनी वन बॉल. व्हेन अ वर्ड्स मींस वन वी कॉल्ड इट सिंगुलर मैनी बॉल्स. व्हेन अ वर्ड मींस मैनी वी कॉल्ड इट प्लूरल सिंगुलर प्लूरल. तो चलो स्टूडेंट्स आगे देखें अभी हम. तो चलो स्टूडेंट्स अभी हम वन एंड मैनी की थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, मतलब एक्टिविटी करते हैं. सर्कल द करेक्ट वर्ड. तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या देखा था? जहाँ पर एक एक चीज़ होती है उसे हम क्या कहेंगे? वन कहेंगे. और जहाँ पर एक से ज़्यादा होती है उसे क्या कहेंगे हम? मैनी. अभी हमने बोल वाला एग्जांपल देखा ना, वन बॉल मैनी बॉल्स, बिल्कुल इसी तरीके से अभी हम यहाँ पर करेंगे. तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या है? हाँ वो से क्या है? हाँ वो उस. तो यहाँ पर क्या आएगा? वन आएगा या मैनी? यहाँ पर एक ही हाउस है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? वन, ओ एन ई वन. देखो यहाँ पर क्या फिश है, कितनी फिश है? हाउ मेनी फिश आर इन देयर? लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. वन टू थ्री, कितनी फिश है स्टूडेंट्स? थ्री. तो ये क्या हुआ? मैनी, यानी कि मैनी फिश. तो यहाँ पर क्या आएगा? मैनी, क्योंकि ये एक से ज्यादा है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? मैनी आएगा. फिर यह ये क्या है स्टूडेंट्स? आइसक्रीम. हाउ मैनी आइसक्रीम आर इन देयर? लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. वन टू थ्री फोर, कितने आइसक्रीम है स्टूडेंट्स? फोर. तो ये क्या हुई? एक से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? वन आएगा या मैनी? हाँ मैनी आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर एक से ज़्यादा है. नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट्स? ऑरेंज. क्या है? ऑरेंज. तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट? वन आएगा या मैनी आएगा? हाँ वन आएगा. क्यों वन आएगा स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पर ओनली वन है, एक से ज़्यादा होती है वहाँ पर क्या आता है? मैनी आता है, बट यहाँ पर वन है. तो ये क्या हुआ? वन, यानी कि सिंगुलर. और ये एक से ज़्यादा है तो ये क्या हुआ स्टूडेंट? प्लूरल. नेक्स्ट वन क्या है? एप्पल. क्या है? एप्पल. तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट? वन आएगा या मैनी आएगा? हाँ वन आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आएगा? वन आएगा. नेक्स्ट वन, विच पिक्चर इज दिस? वाटरमेलन. हाउ मेनी वाटरमेलन आर इन देयर? लेट्स स्टार्ट काउंटिंग. वन टू थ्री फोर फाइव, कितने हैं स्टूडेंट्स? फाइव. तो ये क्या हुआ? प्लूरल. क्या हुआ? प्लूरल, क्योंकि ये क्या है? एक से ज्यादा है. जहाँ पर एक होता है उसे क्या कहेंगे हम? वन कहेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है. और यहाँ भी ये क्या है? प्लूरल, क्योंकि ये एक से ज्यादा है. तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट? वन आएगा या मैनी आएगा? मैनी. तो यहाँ पर हम मैनी को क्या करेंगे? सर्कल करेंगे. तो चलो स्टूडेंट आगे देखें अभी हम. तो चलो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट एक्टिविटी देखें हम. वन एंड मैनी, एड एस टू ईच वर्ड एंड मेक इट मैनी. तो अभी हमने किया है ना स्टूडेंट, जहाँ पर एक होता है वहाँ पर एस लगता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर मैनी एक से ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या लगता है? एस लगता है. तो देखो यहाँ पर कितनी के एंड है? वन है, तो यहाँ पर एस लगा? नहीं लगा. लेकिन यहाँ पर कितनी है स्टूडेंट्स? वन टू थ्री फोर, कितनी एंड से? फोर. तो यहाँ पर क्या लगा? लगा ना एस. एक है तो इसे क्या पढ़ते हैं? एंड. और यहाँ पर एक से ज़्यादा है तो इसे क्या बोलेंगे? एंड्स. चलो नेक्स्ट वन देखिए, ये क्या है स्टूडेंट?
काउ, और यहाँ पर कितनी काउ है स्टूडेंट, वन, एंड यहाँ पर कितनी काउज है, मेनी काउज है, तो यहाँ पर क्या लगेगा इसके स्पेलिंग के पीछे एस, काउ, और यहाँ पर क्या होगा काउज, सी ओ डब्ल्यू एस, काउज। नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट, स्टार, क्या है स्टार, ये कितना स्टार है, वन स्टार है, और यहाँ पर कितने स्टार है, मेनी स्टार है, तो लेट्स स्टार्ट काउंटिंग, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने स्टार्स है स्टूडेंट्स, फाइव, तो ये कितने स्टार, ये क्या हुआ मेनी स्टार्स, तो यहाँ पर हमें ये स्टार का स्पेलिंग है उसके पीछे क्या लगाना है, एस लगाना है, तो ये स्टार होगा और यहाँ पर स्टार्स होगा, तो चलो लिखिए एस टी ए आर एस, स्टार, ये क्या हुआ सिंगुलर और ये प्लूरल, वन मेनी। नेक्स्ट वन क्या है, ये क्या है रिंग है, क्या है रिंग, आर आई एन जी रिंग, और यहाँ पर कितने रिंग है, वन रिंग, एंड यहाँ पर मेनी रिंग, वन टू थ्री, कितनी रिंग्स है, थ्री रिंग्स, यानी कि मेनी रिंग्स, तो ये क्या हुआ सिंगुलर एंड ये प्लूरल, तो रिंग, रिंग का स्पेलिंग है उसके पीछे क्या लगेगा स्टूडेंट, एस लगेगा, आर आई एन जी एस रिंग्स, आर आई एन जी एस रिंग्स। नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट, डक, क्या है डक, डी यू सी के डक, यहाँ पर वन डक है और यहाँ पर मेनी डक्स है, तो यहाँ पर क्या लगेगा स्टूडेंट्स, एस लगेगा, डी यू सी के एस डक्स, डक डक्स। नेक्स्ट वन क्या है स्टूडेंट, बॉल, क्या है बॉल, यहाँ पर कितने बॉल है, वन बॉल है, एंड यहाँ पर मैनी बॉल है, यानी कि एक से ज्यादा, सिंगुलर प्लूरल, वन मैनी, तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या स्पेलिंग दिया हुआ है, बी ए डबल एल बॉल, और ये क्या है बॉल्स, बी ए डबल एल एस बॉल्स, बी ए डबल एल एस बॉल्स। तो देखो स्टूडेंट आज हमने क्या किया, वन एंड मैनी सीखा, सीखा ना, जहाँ पर एक एक होता है उसे क्या बोलते हैं वन, और एक से ज़्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं मेनी, तो आप लोगों को भी वन एंड मेनी वाला कॉन्सेप्ट अपनी टेक्स्ट बुक में करना है। ओके स्टूडेंट्स।